कुछ नहीं बेटा बेटा अभी आ रहे बेटा है ना ये लेना तुम जयपुर में पुलिस थाने से आई ये तस्वीरें बेहद भावुक करने वाली हैं। यहाँ एक बच्चे को पुलिस वालों ने जब इस दाढ़ी वाले की गोद से अलग किया तो ये बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। दाढ़ी वाले इस शख्स की आंखों में भी आंसू आ गए। तस्वीरें देखने से यही लगेगा कि जरूर ये दाढ़ी वाला शख्स इस बच्चे का पिता होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स ने इस बच्चे को किडनैप किया था और पूरे 14 महीने तक अपने पास रखा था। अगवा किए हुए बच्चे को पुलिस ने बरामद किया तब ये बच्चा खुद ही किडनैपर से अलग होने को तैयार नहीं था। ये मासूम बच्चा किडनैपर से ही लिपट कर जोर जोर से रोने लगा, जिसके बाद आरोपी किडनैपर की भी आंखों में आंसू आ गए। जयपुर के पुलिस थाने से ये भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मासूम किडनैपिंग के आरोपी से ही लिपट कर जोर जोर से रो रहा है। बच्चा उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। बच्चे को रोता देख आरोपी की भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर पुलिस के जवान ने जबरदस्ती आरोपी से लिपटे बच्चे को छुड़ाकर उसकी माँ को सौंप दिया, लेकिन फिर भी बच्चा रोता रहा। आरोपी किडनैपर ने इस बच्चे को अगवा कर 14 महीने तक अपनी कैद में रखा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को अगवा करने वाले आरोपी का नाम तनु चाहर है, जो कि यूपी पुलिस का एक निलंबित हेड कांस्टेबल है। उसे बीते दिनों जयपुर पुलिस ने अलीगढ़ से अरेस्ट किया था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तब उसने दाढ़ी मूछ बढ़ाकर और भगवा चोला पहनकर साधु का वेश धारण कर रखा था। ये जानकारी में सूचना से आया था कि उस बच्चे को तनुज अपने साथ लेकर के और जो यमुना का बहाव क्षेत्र है अलीगढ़ मथुरा वृंदावन इसके पास के क्षेत्रों में भेष बदल करके साधु की वेशभूषा में कहीं छुपा हुआ है। लगातार उसको दस्तयाब करने के लिए तलाश करने के लिए बच्चे की तलाश करने के लिए जिला लेवल से टीम गठित करके भेजी जा रही थी। न्यायालय से 37 पुलिस एक्ट के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त तनु चाहर का नामजद गिरफ्तारी वारंट भी लिया गया था। संपत्ति सूची भी बनाई गई थी। इसी के साथ साथ उसकी भरसक तलाश के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी पुलिस उपायुक्त के स्तर से घोषित किया गया था। इस आरोपी ने पिछले 14 जून को जयपुर के सांगानेर से बच्चे का अपहरण कर लिया था। तब ये बच्चा सिर्फ 11 महीने का था। जब पुलिस ने किडनैपर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया तो ये बच्चा किडनैपर को ही छोड़ने को तैयार नहीं था। थाने में किडनैपर से बिछड़ कर बच्चा जोर जोर से रोने लगा और आरोपी से बार बार लिपटने लगा। ये देख किडनैपर के अलावा पुलिसकर्मियों की भी आंखें नम हो गईं। पुलिसकर्मियों ने बिलखते बच्चे को थाने से बाहर खड़ी उसकी माँ की गोद में दे दिया, लेकिन बच्चा किडनैपर के पास जाने के लिए रोता रहा, तड़पता रहा। इस दौरान पुलिस ने कई बार बच्चे के बारे में उसके माता पिता से पूछताछ की और फिर उन्हें सौंप दिया। पूरे 14 महीने तक किडनैपर ने बच्चे को अपनी कैद में रखा था, लेकिन बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। वो बच्चे को खिलौने लाकर देता था, उसके खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। यही नहीं, पुलिस कस्टडी में भी आरोपी 2 साल के बच्चे को अपना बच्चा बता रहा था। उसका दावा है कि ये बच्चा उसका है। यही नहीं, बच्चे के अपहरण के बाद भी ये आरोपी बच्चे की माँ से अपनी बात मनवाने के लिए बार बार कॉल करता रहा और बच्चे की माँ को भी अपने पास रखना चाहता था। इससे पुलिस को प्रेम प्रसंग की भी आशंका है। वहीं इस मामले को लेकर जयपुर दक्षिण के पुलिस उपायुक्त दिगंत आनंद ने बताया है कि 14 जून 2023 को सांगानेर सदर इलाके में 11 महीने के बच्चे के अपहरण की खबर मिली थी। आरोपी तनुज ने ही अपने 4-5 साथियों के साथ बच्चे को उसके घर से किडनैप कर लिया था। अगवा किए गए बच्चे की बरामदगी के लिए पुलिस ने कई राज्यों में छापेमारी की थी। इसके बाद 27 अगस्त को पुलिस ने खेतों में पीछा कर रहे आरोपी तनु चाहर को पकड़ लिया और उसे जयपुर लेकर आ गई। फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में रिमांड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।